साइमा कैसी हैं? साइमा अच्छी हैं। ये कैसा सवाल था? साइमा कैसी हैं? देखने में तो ऐसे आपका उनके साथ काम करके कैसा रहा? नहीं नहीं, मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी, बहुत प्रोफेशनल है। लेजेंड ऑफ मौला जट देखने के बाद मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोग आपके फैन हैं। फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला है, स्पेशली फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम ऑडियंस। उन्होंने मेरा काम बहुत पसंद किया है। बड़ी जबरदस्त और एंटरटेनिंग मूवी है और पंजाब के पैनल से एक जबरदस्त मूवी आपको देखने को मिलेगी। इट्स ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट काम हो रहा है। अबू अलिया एंड सना फ़खर हैं इसमें, साइमा बलोच हैं, मोहसिन अब्बास हैदर हैं, ठाकुर साहब हैं। साइमा को मैंने मौला जट में देखा था, फिनोमिनल परफॉर्मर। मोहसिन की मेरी एसोसिएशन बहुत पुरानी है। मेरा रोल जो है वो वेडिंग सॉन्ग है उसमें है और मैं दुल्हन की दोस्त हूँ। हमने प्लान बनाया कि यार हम भी क्यों ना चांस लें कि अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। आज मैं फिल्म के शूट पे आया हूँ। कौन सी फिल्म का शूट हो रहा है? सुपर पंजाबी फिल्म। ये फिल्म इफ्तिखार ठाकुर ने प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट कर रहे हैं अबू अलेहा साहब। इसके अंदर मोहसिन अब्बास भी हैं और साइमा बलोच भी हैं। आइए देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कि उनका के डांस सीक्वेंस शूट हो रहा है और इंटरव्यू लोगों से ना बात भी कराता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। चले जी, मेरे साथ मौजूद है फिल्म के हीरो और मेरे पसंदीदा एक्टर मोहसिन अब्बास हैदर। सर कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि ये पहले मैं ये कह लूं कि मेरे पसंदीदा एंकर मेरे साथ मौजूद हैं और इनको मैं ढूंढ के इंटरव्यू देना चाहता हूं। और आप बताएं कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब? सर मैं ठीक हूं, क्या कहते हैं, थैंक यू। आपने सुपर पंजाबी के सेट पर आके आपको कैसा लगा? बहुत कमाल लगा, बहुत मज़ा आया और आपको इन एक्शन देख कर, डांस करके और एक्टिंग करके बहुत मज़ा आया मुझे। तो आपको कैसी तवक्कात हैं सुपर पंजाबी से? सर मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हैं उसके अंदर, इसलिए कि ये पंजाबी और प्रोड्यूस इफ्तिखार ठाकुर साहब ने की। अच्छा मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था। अच्छा मुझे बताएं आपका इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अबू अलिया के साथ आपकी मेरे ख्याल है तीसरी फिल्म है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वंस अपॉन अ टाइम इन कराची, फिर दादल और अब फिर हम सुपर पंजाबी करने जा रहे हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब, सफदर मलिक साहब की प्रोडक्शन में और अबू अलिया साहब इन्हें इसके डायरेक्टर हैं। और बहुत लुत्फ आ रहा है, अपनी तरह की बड़ी एक मुनफरद सी फिल्म है और पंजाबी यकीनन मेरे चूंकि नज़दीक बहुत है दिल के, तो मुझे खुद बहुत लुत्फ आता है। उर्दू देखिए, उर्दू मेरा शौक है, उर्दू मेरी मोहब्बत है, उर्दू मेरा पहला प्यार भी है, लेकिन पंजाबी मेरी माँ बोली है तो इसलिए उसके लिए एक दिल में अलग जगह है। तो उसको जब जब भी करने का मौका मिलता है, फिर वो चाहे सेवक हो वेब सीरीज़, उसमें सिख का किरदार में पंजाबी बोलने का मौका मिले या फिर सुपर पंजाबी में, तो मुझे हमेशा बड़ा लुत्फ आता है पंजाबी काम करके, क्योंकि मैंने 10 साल, आपको पता है यकीनन कि मैंने रेडियो भी किया, तो एक पंजाबी शो किया जो मेरी पहचान बना, सो वो उसका एक अलग चार्म है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। अच्छा मुझे बताइए साइमा बलोच के साथ कैसा है, क्योंकि ना जितनी अच्छी वो डांसर है, लोगों ने लेजेंड ऑफ मौला जट में जितना लोगों ने डांस देखा, आपको तो घबरा तो नहीं हुए डांस, और उनके साथ एक्टिंग आपको एज अ हीरो है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? इसके बारे में मैं आपको हमारे लेजेंडरी मरहूम सर अमानुल्लाह साहब का एक जुमला बताऊंगा। वो कहते थे कि इन्ना कॉन्फिडेंट है, इनू सपा दे विच भी छड़ दोगे ना, एदा कॉन्फिडेंस थले नहीं आएगा। सो अगर अमानुल्लाह साहब का ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, तो यकीन मानिए कि मैं इसको पूरा करूंगा इतना उम्र। साइमा कैसी हैं? साइमा अच्छी हैं। ये कैसा सवाल था? साइमा कैसी हैं? देखने में तो ऐसे आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं नहीं, मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी, बहुत प्रोफेशनल है। और अच्छी बात यह है कि हम दोनों सेट के बाद एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता, मैं अपनी दुनिया में मगन हो जाता हूँ, तो वो भी अपनी दुनिया में मगन रहती है, बस हम सेट पे एक दूसरे के साथ आके लाइंस करते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये दोनों ऑफ द सेट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते। अच्छा मुझे बताएं, इसके प्रोड्यूसर दो हैं, ठीक है, एक इफ्तिखार ठाकुर साहब और एक सफदर मलिक साहब, तो इनके साथ आपका कोई इंटरेक्शन हुआ है, कैसा रहा है? देखिए इफ्तिखार ठाकुर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वालिद की जगह पर हैं, उनके साथ हमेशा बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक रहा है, उनके साथ मैंने बहुत अरसे से काम भी किया उनके साथ और उनकी छत्र छाया में रहे, तो उनकी मोहब्बतों का तो जवाब ही नहीं, वो हमेशा मेरे अच्छे बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। और सफदर मलिक साहब की शफकत का उनसे मिलने के बाद अंदाज़ा है, उनकी तारीफ़ें बड़ी सुनी थी, लेकिन जब उनसे मिला गया तो एक बिल्कुल अलग दुनिया देखी और उनमें भी वही शफकत देखी, वो उतने ही शफीक हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इतने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में काम करके। अच्छा वैसे मैंने पूरी कोशिश की थी कि इस फिल्म के अंदर मुझे भी कोई ना कोई रोल मिल जाए, ताकि मुझे मोहसिन अब्बास हैदर के साथ काम करने का मौका मिले। चले इस फिल्म में तो नहीं, नेक्स्ट कभी मौका मिल सकता है मुझे? मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो गया था जब आपने ये खबर मुझे सुनाई थी और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ, लेकिन
क्योंकि अभी मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हुई कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूं, लेकिन इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट कि मैं आपके साथ कभी स्क्रीन शेयर करूं। लेकिन हम बारहा आप ये जरूर इस चीज़ के तायद करेंगे, हम हर फिल्म की प्रमोशन पे स्क्रीन जरूर शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे बताएं, मुझे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी चाहिए, वो कब मिलेगा? ये एक्सक्लूसिव नहीं है। नहीं, ये है, नहीं ये है, मगर ना सोफे पे बैठ के। हाँ, बट डन हो गया वो, आप अगले लाहौर के टूर में जब भी। डन, थैंक यू बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका सुपर पंजाबी का? यस, अभी स्टिल एक्सपीरियंस इज लेफ्ट, अभी बाकी है काम। अच्छा, मुझे बताएं व्हाट अबाउट मोहसिन अब्बास हैदर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? ही इज नाइस आर्टिस्ट, और when I perform especially in my opinion I don't see anything, you know, मैं बहुत ज़्यादा अपने कैरेक्टर में होती हूँ, तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, अकेले मैं तो ये फिल्म नहीं बना सकती, दैट वी आर टीम ऑफ कोर्स एंड वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइज इंशाल्लाह। यस, मुझे बताया लेजेंड ऑफ मौला जट देखने के बाद मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया, इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग आपके फ़ैन, तो आप उससे 200 करोड़ कमा लिए, तो आपका कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है? थैंक यू सो मच, फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला है, स्पेशली फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम ऑडियंस, उन्होंने मेरा काम बहुत पसंद किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, और आई नो कि उनको मुझसे अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आफ्टर रज्जो, बट लेट्स सी अभी क्या होता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू समथिंग न्यू रज्जो से हट के। जी, मेरे साथ मौजूद है कोरियोग्राफर वहाब शाह, कैसा रहा सर आपका सॉन्ग आज? बहुत मज़े का, और अभी तो हो रहा है, हम हाफ वे थ्रू हैं, आप लोगों ने तो विटनेस किया है, तो आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मुझे बताएं इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? फैंटास्टिक, बिकॉज आई थिंक अबू अलीहा के साथ तो मेरी खैर ये सेकेंड फिल्म है, अभी हमने एक दादल फिल्म की है, साइमा को मैंने मौला जट में देखा था, फिनोमिनल परफॉर्मर, मोहसिन की मेरी एसोसिएशन बहुत पुरानी है, उससे उड्डी जा से लेके पिछला दादल का गाना और अभी तक, सो आई थिंक वो एक फैमिली वाला माहौल आ रहा है कि मज़ा आ रहा है ज़्यादा। मुझे बताया किस कौन ज़्यादा अच्छा डांस कर रहा है, मोहसिन या फिर साइमा? दोनों ही इतना अच्छा कर रहे हैं कि मैं एक को चूज़ ही नहीं कर सकता, दे आर बोथ फैंटास्टिक। तो मुझे बताएं कि क्या कहते हैं ये फिल्म, ठीक है, इसके अलावा कौन सी फिल्म आपकी आ रही है? इसके अलावा दादल आ रही है, अभी ये है, इसके अलावा एक और है, क्रिकेट पे है उसका नाम, फुटबॉल पे है उसका नाम मुझे भूल गया है, वो है, और एक और पाइपलाइन में है जो कि अभी साइन करनी है मैंने कराची में जाके, और उसका नाम अभी टाइटल रिलीज़ नहीं हुआ। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई होप हो जाए साइन भी कर लूँ मगर मैंने देखा है जितने आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कि जितना आपने वो किया है पूरा सॉन्ग आपने ही हैंडल किया हुआ था, तो लाइट का भी मसला आता, टाइमिंग का भी मसला आता, जिस तरह से आप कर रहे थे आप भाग दौड़, इतना एनर्जी कहाँ से आती? यार मेरा क्योंकि मेरा ये पैशन है, मैं गाना पूरा डायरेक्ट करता हूँ शुरू से लेके एंड तक, उसका आइडिया से लेके उसकी एग्जीक्यूशन से लेके उसकी एडिटिंग से लेके, तो वो मेरा एक विजन होता है, उसको पूरा करने के लिए मुझे भाग दौड़ एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वो बस मुझे मज़ा आता है उसके अंदर। मेरे साथ मौजूद है एक्टर और मॉडल कदीर खान, कैसे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाएं आप कैसे हैं? सर आपका इस फिल्म में सुपर पंजाबी में कैरेक्टर है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी मेरा इसमें जो मेन हमारे हीरो हैं मोहसिन अब्बास साहब, उनके साथ एक दोस्त का करेक्टर है मेरा, और साथ में हमारे डांस परफॉर्मेंस भी है, और एक बड़ी ज़बरदस्त और इंटरटेनिंग मूवी है, और पंजाब के पैनल से एक ज़बरदस्त मूवी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें तमाम एक्टर्स और तमाम परफॉर्मर ने बहुत अच्छा काम किया है, और मेरा ख्याल है कि कराची और पंजाब की कम्बिनेशन से ये पहली बनने वाली फिल्म, पहले भी बनती रही है लेकिन ये उनसे थोड़ी डिफरेंट म्यारी और आला किस्म की मूवी होगी, लोग एंटरटेन करेंगे इसको। सर मुझे बताएं इनके साथ सबके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मोहसिन अब्बास, साइमा और अबू अलीहा के साथ? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है, और अबू अलीहा साहब ने यहाँ पे आके कराची में माशाल्लाह उनकी बहुत सी फिल्में लगी हैं, यहाँ पे भी हमने देखी हैं, और बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करके मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली, और बड़े लविंग और कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं वो कभी भी किसी करेक्टर को मिसफिट
नहीं लेते, अगर वो करेक्टर उस हिसाब से एडजस्ट ना हो रहा हो तो वो कभी भी उस करेक्टर को नहीं लेते, ना कंप्रोमाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ पे, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पे अच्छा चाहिए, बोलने वाला अच्छा चाहिए और परफॉर्मर चाहिए। उसके लिए कोई सिफारिश या किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए होती और ना वो इस चीज़ को कबूल करते हैं। अबू अलिया साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मोहसिन अब्बास भाई बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े लविंग हैं, मेरे साथ काम किया, मैंने उनके साथ काम किया बल्कि, तो मुझे बहुत मज़ा आया और बड़े सपोर्टिंग हैं, और बाकी भी टीम सारी सपोर्टिंग थी, बिलखसूस वहाब शाह साहब जो हमारे कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और बड़े अच्छे तरीके से समझाया, बड़े अच्छे तरीके से काम करवाया, और स्क्रीन पे देखेंगे कि हमारा गाना कितना अच्छा हुआ है और परफॉर्मेंस आप फिल्म में देख ही लेंगे। थोड़ा सा रोल के बारे में बता दें क्या? अच्छा, मेरा रोल जो है वो वेडिंग सॉन्ग है उसमें है, और मैं दुल्हन की दोस्त हूँ, बाकी आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, इनके साथ काम करने जो एक्टर्स हैं मोहसिन अब्बास, साइमा, इनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जाहिर सी बात है हम लोगों के सीनियर हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। जो उदय सफदर मलिक साहब, कैसे हैं सर? अल्लाह करम, आप बताएं खैरियत से? सर बिल्कुल ठीक ठाक। आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर विद इफ्तिखार ठाकुर, तो कैसे आप लोगों ने प्लान बनाया? हमने प्लान बनाया कि यार हम भी क्यों ना चांस लें कि अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाएँ, जिसमें मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब, और ये इंटरनेशनली इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे और लोग इंजॉय करेंगे। सर मुझे बताएं अबू अलिया एज अ डायरेक्टर चूज़ करने का कैसे प्लान बना? ये मेरा फर्स्ट टाइम इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया, ये बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं यार, इनका जो है ना मुझे काम का बहुत मज़ा आया, और ये जो कॉल टाइम देते हैं ना, पूरी टीम उस मौके पर मौजूद है लोकेशन पर, वेयर एज़ कि आप लाहौर के जो हमारे जितने भी हैं वो टाइम का तो उनको पता ही कोई नहीं है, यानी साहब अगर आ रहे हैं 4 बजे तो लाइट चली गई है, चलें कल करेंगे, लेकिन ये बंदा सुबह 4:30 बजे उठ के पूरी टीम को लेके लोकेशन पे पहुंचता है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बताओ व्हाट अबाउट द कास्ट, मोहसिन अब्बास, इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस? ये फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहसिन अब्बास, और साइमा बलोच ने भी बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो मुझे था पंजाबी फिल्मों का दोबारा रिवाइवल आ गया लेजेंड ऑफ मौला जट, तो ये कितनी बेहतरी है पंजाबी फिल्मों के लिए? इंशाल्लाह हमारी तो यही कोशिश है कि रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री, मेरा तो मेन शुरू से ही हम ये चाहते हैं कि भाई पंजाब की जो इंडस्ट्री है वो बहाल हो, और इस वजह से आपको पता जो इनका लोगों का पिछले रहा है एटीट्यूड, वो पंजाब से फारग हो गए थे, वो तो सारे शिफ्ट कर गए कराची, अब मैंने कराची से सारी टीम ली है, कोरियोग्राफर भी वहाँ के है, कैमरामैन भी वहाँ का है, डायरेक्टर भी वहाँ का है, और इंशाल्लाह यू विल सी और यू विल एंजॉय। जी मेरे साथ मौजूद है अरुण जफर साहब, इन्होंने इस फिल्म का क्या कहते हैं वार्डरोब भी और स्टाइलिंग भी किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? मुझे बताया कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत अरसे बाद लाहौर में एक पंजाबी मूवी आ रही है, एक जो एक रिवाइवल ऑफ द सिनेमा आप कह लो, एंड इट्स ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट काम हो रहा है, अबू अलिया एंड सना फ़खर हैं इसमें, साइमा बलोच हैं, मोहसिन अब्बास हैदर हैं, ठाकुर साहब हैं, तो एक बड़ा डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट पेयरिंग है, फ्रेश पेयरिंग है, साइमा को और आप मोहसिन अब्बास हैदर का एक बड़ा फ्रेश पेयर है, और सना और ठाकुर साहब का एक बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। तो मुझे बताइए ये इसकी स्टाइलिंग और वार्डरोब को स्पेसिफिक कुछ चीज़ ये पंजाबी ही स्टाइल लिया या फिर थोड़ा सा कुछ चेंज किया? नहीं, इसमें क्योंकि सना का एक डिफरेंट रोल है तो सना को आप बहुत डिफरेंट रोल में देखेंगे, और साइमा का ज़रा ये है कि हम उनको थोड़ा सा पंजाबी टच दिया है गाने में, और नहीं बहुत टिपिकल पंजाबी नहीं है, बट हमने फ्यूजन किया है ईस्ट और वेस्ट मिक्स करके, और वो टिपिकल पंजाबी जो आप हमारी पुरानी फिल्मों में देखा करते थे वो नहीं है, बट एक बहुत मज़ेदार कॉम्बो मिलेगा आपको ईस्ट और वेस्ट का। जी नाज़रीन, आप लोगों ने लोगों के कमेंट्स सुने, जो इसकी कास्ट थी और जो इसका टीम थी उनके कमेंट्स, और यहाँ पे जो ये फिल्म थी सुपर पंजाबी, ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये सुपर पंजाबी जब रिलीज़ हो मैं लाजमी देखूँगा, क्योंकि ये एक पंजाबी फिल्म और एक कॉमेडी फिल्म है और एक मज़ेदार फिल्म होगी, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ अपने होस्ट शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।